ये बेल का शरबत बनाने जा रहे हैं। बेल को हम तोड़ के इस पानी में भिंगो दिए थे। इसको 2 घंटा से ये इसमें फूल रहा था, अच्छे से फूल गया है, एकदम मिल गया है पानी में। अब इसको छान लेंगे हम अच्छे से, और उसके बाद फिर शरबत बनाएंगे। गर्मी में पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और पेट को ठंडा भी दे करता है, और पेट साफ भी होता है इससे। इस तरह से पूरा इसके अंदर से इसके पल्प निकाल लेंगे, इस सटा रहता है ना फूल के, अच्छे से निकल जाता है, तो पूरा चम्मच से निकाल लेंगे पूरा। देखिए पूरा पल्प पानी में घुल गया है, और इसको छान लेंगे छन्नी में अच्छे से। ऐसे हिला के पूरा अच्छे से निकाल लेंगे पल्प को। गर्मी के दिन में बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, रिफ्रेशिंग भी है, और फायदे बहुत करता है इसका, बहुत फायदा है। पेट को ठंडक पहुंचाता है, पेट को साफ रखता है। आप इसका बहुत तरह से आप खा सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ऐसे नहीं अच्छा आपको तो शरबत बना के खाइए इसको, इसको लस्सी में डाल के पीजिए दही के साथ, बहुत ही फायदेमंद है ये। इसमें हम शुगर फ्री डाल रहे हैं, आप चीनी खाते हैं तो आप चीनी डाल सकते हैं। ज्यादा चीनी का जरूरत नहीं होता है, मीठा खुद होता है आपका। अगर ज्यादा शुगर का जरूरत है, मीठा खा पीना है, तो आप उस हिसाब से अपना डाल लीजिएगा। देखिए हम लस्सी बना रहे हैं बेल का, तो दही ले लिए हैं। बेल का पल्प जो निकाले हैं अभी इसमें डाल देंगे हम। देखिए बेल का लस्सी बन के तैयार हो गया है। ये पुदीना, सूखा हुआ पुदीना पत्ता है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये गार्निश करने के लिए हम नींबू लगा रहे हैं। तो बेल का लस्सी पीजिए, बहुत ही गर्मी के दिन में बहुत ही फायदेमंद है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। ये बेल का शरबत बनाए हैं, जैसे ऊपर से थोड़ा पुदीना डाल रहे हैं क्रश करके, से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से थोड़ा काला नमक डाल रहे हैं, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए बेल का शरबत भी बना के तैयार हो गया, बेल का लस्सी भी बना के तैयार हो गया है। अब गर्मी के दिन में बनाइए, पीजिए, और कमेंट लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए, और
सपोर्ट कीजिए। ये फ्रिज में रखा था ऐसे, आपको अगर इसको ज्यादा चील करके खाना है, ठंडा बना के खाना है, तो इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं आप। हम आइस क्यूब नहीं डाले हैं, आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट हो आप डाल सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिए। और भी समर ड्रिंक के रेसिपी डले हुए हैं मेरे चैनल पर, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।